तो गाइस हम चलते हैं नीचे, छत पे घूम लिया हमने पूरा। तो ये सीढ़ियाँ जो नीचे को जा रही हैं, यही सीढ़ियाँ ऊपर को भी आती है। तो दोस्तों अब हम इधर का व्यू दिखाते हैं। मामा पानी डाल रहे हैं अपने पेड़ पौधों पे। हमने ऊपर का गार्डन भी दिखा दिया मामा का। हाँ अब वो तो दर्शक बताएंगे देखने वाले कमेंट में कैसा लगा। समझ रहे हो कैसा नहीं लगा। तो ये अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। हाँ बना दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इन्हें छाता वाता भी लगा रखा है। बढ़िया बढ़िया वायरल हो जाएगा। तो मामा ये लगे बढ़िया था ना, वो बिक्री में बोल के डाल देना फिर। कौन सा ये घर बिक्री में है। तो गाइस आपको हाँ है ना, हाँ। हम चलते हैं बाहर। तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे को और हम जा रहे हैं नीचे, और वो लोग आ रहे हैं उधर बात करते हुए। तो हम चलते हैं नीचे। इधर हमारे दर्शक कुछ काम कर रहे हैं गाइस। आज हमारा पनीर मटर और तुम लहसुन छील लिए और ये क्या है अदरक। तो गाइस ये लहसुन और अदरक छील के बैठ रही, चश्मा लगा के छीलती है क्योंकि इनको पूरी तरह से आ रहे इनको दिखाई नहीं देता अच्छे से, इसलिए चश्मा हाँ ऐसे देखना पड़ता है, इसलिए चश्मा लगा के खाएंगे। ये बना रहे पनीर। तो गाइस अनुहार हम नहीं दिखाएंगे आपका, सिर्फ फेस दिखेगा। तो गाइस आपके क्या क्या ये ग्रेवी में क्या क्या डाला आपने। ये आलू है, मटर है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पहले ग्रेवी कैसे बनाई। ग्रेवी हमने आज चोखा खाएंगे ना, इसलिए लहसुन प्याज का यूज नहीं किया। प्याज यूज नहीं किया। अदुआ अदरक अदरक। तो गाइस इसने अदरक और टमाटर का यूज किया है पनीर में अपने। आज हमारे अष्टमी का व्रत था, नवरात्रि का व्रत था, तो इनने प्याज लहसुन यूज नहीं किया और लोहे की कढ़ाई में ये बना रही है, जिससे आयरन की कमी भी नहीं होगी। और इधर सर पानी भर के पी रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हो, वैसे ससुराल जा रहे हैं ये गाइस, ससुराल जा रहे हैं ये दोनों ससुराल जा रहे हैं मिलके। कुछ करने के लिए तो गाइस भाई ब्लॉगर। तो गाइस ये लोग ससुराल जा रहे हैं दोनों मिलके, सासू माँ के पास जाएंगे और अच्छा अच्छा खा के आएंगे लोग। तो हमारे नाना जी इधर बैठे हुए हैं बाहर ताजी हवा खाते हुए। तो गाइस इधर सेल रोटी बनाने की तैयारी चल रही है, एक बन भी गई, हवा चल रही जिसके कारण रोटियां जल रही हैं। ये बन गई है, अभी बहुत सारी बनेगी तब दिखाएंगे हम। हाय गाइस, कोई भी हो हाय कर दो मम्मी। हाय गाइस, आज नमस्कार। क्या करे, बोली चली ऐसा तो कर सकते है ना। कति छिटो उठिया छ के माथि गरम भयो अनि यो पिठो राम्रो एकदम राम्रो पिठो हो यो अलि हो या नि हो त भ छ त ति हो गाइस। मामा इधर वीडियो कॉलिंग में बनाउँदा चैट कर रहे हैं अपने जीजा जी के साथ और इधर रोटी बन रही बिल्कुल मस्त खुले माहौल में, हवा लग रही है हल्की हल्की। तो गाइस मामा पता नहीं क्या खोल रहे हैं, क्या है मामा ये। हाँ मामा कोई बात नहीं, तुमको पूरा चूड़ा डालने कौन ने बोला है। मम्मी हमारे यहाँ टाइटन की घड़ी होती है, इनके टाइटन का चावल होता है।
तो गाइस मम्मी इधर बना रही है सेल रोटी दशहरे के लिए। कल दशहरा है तो स्पेशली हमारे यहाँ ये रोटी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं सेल रोटी। और सेल रोटी का आटा ऐसा होता है, टी का भी बनाता है, टी का भी टी का भी सोई सोई बनाता है रोटी तो। थोड़ा दूर हो जाओ ना तो तुम, हम तुम्हारा मुंह दूर से ले लेंगे। चढ़ाने वाला अलग साइड में रख दो ना, फिर किसी ने उठा के ले लिया। मैंने वीडियो बनाया ना, देख लेना तुम। मम्मी परेशान है, रोटी माई जो तावा खरीद के ला गई तो बन गया है रोटी, नहीं तो नहीं बनता वो। एक तो ये ऊपर बीच में वो घंटी का सिस्टम, मम्मी सही है ये तावा है ना, लो उसको करने दो मम्मी भाई। अरे मम्मी का टाइम खत्म हो चुका है मम्मी, अब सुन दीदी हाँ। तो गाइस इन्हें बड़ी मकसकत, क्या बोलते हैं, अरे बोलते जरा, बड़ी मेहनत लग रही है पर खोल नहीं पा रहे ढक्कन, पता नहीं क्या है ये, खोल ही नहीं पा रहे दोनों। की नहीं टेढ़े भाई सको, बोले अम्मा के रे तो जाम लगाउनी के के हैन के जाम लगाउनी चक्कु छै तिले नि हुन्छ र नि के नि हो रहा, खुल नहीं रहा रे के ढक्कन। बुनुवा मेरो नाम लोकबहादुर छ दियो, ओडा नम्बर 7 कालीगण्डी की हैन रे ढाल ले मिले ना मेरे बोलना तो गाइस रोटी बन चुकी है इतनी सारी और कुछ इधर बन रही है, रेडी हो रही है। अरे इनकी बोतल खुल नहीं पा रही बेचारों की, बहुत समस्या में है, इनकी समस्या सॉल्व करने वाला कोई नहीं मिल पा रहा। कभी तो खोल नहीं पा रहे हम लोग, कभी कभी पीते हैं ना। तो गाइस इतनी घड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने आखिर निकाल लिया ढक्कन, वक्त से निकाला, आखिर निकाला है, एक घंटे बाद इन लोगों ने ढक्कन निकाल दिया दोस्तों। अब खुश, अब ये रखेंगे फ्रिज में और इसको चिल्ड करेंगे और फिर पी जाएंगे। कैसा लगा? अच्छा लग रहा, वाह बहुत मजा आया। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप, फुल एंजॉय में लगे हैं। तो गाइस इतनी रोटी बन चुकी है, कौन कहाँ गई मम्मी? ये वाली मैं बोलूं ना, सानी बुआरी घर में ही तो घूम रही है, तुम्हें क्यों चाहिए? ये वाली मैं बोलूं उसके, क्या फिर से बोलो? मेरी मुंह पे ही हो गई दीदी को चक्कर में, ये हो मेरी बा, देखो ब्लॉग करे मेरे साथी अरु। तो गाइस मेरे चक्कर में रोटी जल गई है, मैं वीडियो बनाने थे, वीडियो में खो गई, आई एम सॉरी। मेरे गांव के कौन चक्कर में रोटी जल गई। तो गाइस
की रोटी बन चुकी है और इधर पार्टी चल रही है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पार्टी चल रही है, लाइफ एंजॉय किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों इधर बुला के दोस्तों, ओ माय गॉड, तो गाइस इधर कविता दीदी भी लगी हुई है रोटी बनाने में, देखें कैसा बनाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी करो जरा रोटी अब बनाओ लाइस। ओ पूरा तो कपाल को सिउ दो, कहाँ ले जाऊँ मैं बताओ यार, तुम लोग भी बनाई बनाई। ओहो बनाई ये तो कविता दीदी ने बना लिया, बनाएगी। हाँ ये अच्छा बना, ये अच्छा बनाया है। चलो कविता आराम से, मम्मी का जैसा डाल रही है। तो गाइस इधर लाइट चली गई और लोग बाग पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, अंधेरे में कोई लोग लगे हुए हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं अंधेरे में। फिर रोस्ट, चिकन रोस्ट बना रहे हैं। फ्लैश लाइट बोले तो ना उधर जाए चिकन